पिछली दफ़ा हमने फंक्शंस के बारे में बात की फंक्शंस जो हैं वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे बिकॉज अर्लियर सी इज़ अ फंक्शन and विल बी यूजिंग using अगेन एंड अगेन again, ओवर द रेस्ट ऑफ दिस कोर्स अगेन एज as I repeated myself अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर्स हमारी टूल किट वैसे तो कम्प्लीट है लेकिन एक बड़ा असेंशल कम्पोनेंट जो है ना वो इसमें से अभी मिसिंग था वो कंपोनेंट हम आज डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो कंपोनेंट है एरेज एरेज़ क्या चीज़ें हम उनकी बात करते हैं लेकिन पहले ज़रा पिछले एक पुराने लेक्चर की बात करें जहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम दिया था बल्कि डिस्कस किया था क्लास के अंदर वो था कि जी हम हमारे पास दस स्टूडेंट्स हैं और उनकी उम्रें हमें पता हैं और हम उनकी एवरेज एज निकालना चाहते हैं तो अगर आप याद करें हमने उसके अंदर दस इंट जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे एज वन एज टू एज थ्री इस तरह करके फिर एक एक करके उनको इनपुट किया था और इनपुट करके फिर उनको ऐड किया फिर टोटल एज ले ली फिर उसकी एवरेज एवरेज एज निकाली क्वेश्चन इज़ अगेन ट्रू टू माई ट्रेडिशन कि जी एक आसान चीज़ को मुश्किल किया किया जा सकता है तो मैं अब कहता हूँ कि जी वो दस स्टूडेंट्स नहीं अब सौ स्टूडेंट्स हो गए तो अब सोचें कि वो वाली टेक्निक जो थी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की क्या वो काम करेगी हमारे लिए आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी टीडियस टू स्टार्ट राइटिंग डाउन 100 हंड्रेड डिफरेंट वेरिएबल नेम्स कि जी एज वन एज टू एज थ्री फिर चलते चलते एज फिफ्टी वन एज फिफ्टी टू एज सेवेंटी एट थक जाएंगे हम करते हुए तो इस काम को करने के लिए कोई आसान तरीका है वही है कि हम एरेज को इंट्रोड्यूस करें तो एरेज हैं क्या एरे जो है वो एक स्पेशल किस्म की डेटा टाइप है और वाई इट्स तो वेरी नेम यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अगर हमारे पास बहुत सारी एक किस्म की चीज़ें हों और उनकी नौीयत भी ऐसी हो कि हम उनको एक कैटेगरी में रखना चाहते हैं जैसे एज की बात की सो वी हैव 100 हंड्रेड एजेस वट वी डू वी कैन डिक्लेयर एन एरे जो उसकी टाइप जो भी हो इंटिजरलेट से हो और उसके अंदर एक ही किस्म का डेटा पड़ा हो यानी एक नंबर है फिर दूसरा नंबर है फिर तीसरा नंबर है सारी चीज़ें एक चीज़ को रिप्रजेंट कर रही हैं एज को और मुख्तफ़ लोगों की एजज़ आ रही हैं सो एरेज आर लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आइडेंटिकल डेटा टाइप्स आर स्टोर्ड, जितने हमें चाहिए उतनी जगह हम मेमोरी में इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अटैच होते हैं सी के अंदर जो है एरेज के साथ हर एरे के साथ एक उसका नाम होता है उसकी डेटा टाइप होती है और फिर उसका साइज होता है मेमोरी के अंदर एरेज जो हैं वो कॉन्टिग्यूस एरिया में यानी एक कॉन्टीन्यूस एरिया ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं और उसके अंदर हम उसको इंडेक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी पहली जगह पे क्या लिखना दूसरी जगह पे क्या लिखना है एंड सो ऑन सो एरेज आर अ स्पेसिफिक डेटा टाइप एरेज का एक साइज़ भी होता है यानी कितने एलिमेंट्स जो हैं वो एक एरे के अंदर मौजूद हैं इसके अंदर सी में जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसकी डेटा टाइप नाम और उसका साइज़ तीनों चीज़ें बतानी पड़ती हैं क्या कोई तरीका है जहाँ पे हम साइज़ ना बताएं, या साइज़ बाद में डिटरमिन हो रहा हो एक है तरीका लेकिन वो फिर एडवांस टॉपिक्स में आएगा उसको हम बाद में कवर करेंगे इस वक्त ये अस्यूम कर लें कि जी सी में जो एरेज हैं वो एक फ़िक्स साइज़ की होंगी और हम जब डिक्लेयर करेंगे हमें एरे का साइज़ मालूम होगा अब अगर ये देखें एक इमेज हम दिखाते हैं आपको कि जी मेमोरी में एरे स्टोर कैसे होती है तो हमने अपनी तरफ से कुछ मेमोरी लोकेशंस दिखा दी हैं और मेमोरी लोकेशंस के अंदर साइड पे मैंने उसके नाम लिख दिए हैं और उसके अंदर जो उसके कंटेंट्स हैं वो भी दिखा दिए हैं फॉर द मोमेंट हमने एक इंटीजर एरे ले ली है तो आप देखेंगे कि जी लेफ़्ट साइड पर पहले तो इसके नाम पे ऊपर गौर करें कि हमने लिखा है सी और फिर स्क्वेर ब्रैकेट्स में लिखा है ज़ीरो सो so, फिर दूसरी लाइन के ऊपर लिखा हुआ है सी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है वन एंड सो ऑन सी जो है वो इस एरे का नाम होगा सो इट्स एग्जैक्टली द सेम एज़ द नेम ऑफ अ वेरिएबल वही रूल्स अप्लाई करते हैं कि जी हमने उसको नाम दे दिया अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है वो क्या है वो उसका है इंडेक्स यानी ज़ीरोथ पोजिशन पर क्या चीज़ है फर्स्ट पोजिशन पर क्या चीज़ है सेकेंड पोजिशन पर क्या चीज़ है और जो राइट साइड पर हमने दिखाया हुआ है वो उसके कॉन्टेंट्स हैं कॉन्टेंट्स उसी तरीके से जैसे वेरिएबल का एक नाम होता है और एक वेरिएबल की वैल्यू होती है तो कॉन्टेंट्स जो हैं वो एरे की एक ख़ास पोजिशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम कह रहे हैं अब जो सी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि ये जो इसकी इंडेक्सिंग है एरे की वो ज़ीरो से शुरू होती है सो एज आई सेड अर्लियर के जी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड काउंट अप टू नाइन एंड दैट मीन्स टेन पोजिशन यू विल रियलाइज़ वाई आई वो सेंग दैट जी सी में ऑलवेज़ एरेज स्टार्ट फ्राम इंडेक्स ज़ीरो सो अगर आपको दस एलिमेंट्स चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसी एरे सी के तो वो सी जीरो से ले कर सी नाइन तक और उसको लिखने का तरीका यही है कि सी और फिर स्क्वेर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स की पोजिशन ठीक है लेट्स गो ऑन एंड सी कि जी एरेज के अंदर हम उनकी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं फिर उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ पहले इसी को देख लें कि जी हम बात कर रहे थे कि जी वो एज वाला प्रोग्राम अगर हमारे पास एक एरे होती और उसका नाम हम रख लेते एज और उसके फिर हम दे देते कि जी उसके अंदर दस वैल्यू स्टोर होंगी तो अगर हमने उसको ऐड करना था तो अब एज एक एरे होने की वजह से हम फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं सो वी डोंट हैव टू राइट अ वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट विद प्लस 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 वी कैन सिंपली यूज़ अ फॉर लूप एंड मेक थिंग्स वेरी एलिगेंट ये भी हम आज एग्ज़ाम्पल्स में देखेंगे जब हमने एक एरे को डिक्लेयर करना होता है सो so, जिस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम पहले उसकी डेटा टाइप बताते हैं सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी नीड एन एरे ऑफ इंटीजर्स, वी विल राइट इंट एंड नेम ऑफ द एरे एज आई मेन्शनड वेरिएबल नेमिंग रूल्स अप्लाई सो उसको नाम दिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका साइज़ लिख देते हैं सो so, अगर मुझे वही एज एरे डिक्लेयर करनी है और उसका साइज है कि जिसमें इसमें दस नंबर स्टोर होंगे और सारे इंटीजर्स होंगे तो मैं लिखूँगा इंट एज स्क्वायर ब्रैकेट टेन स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोल में एज विद अदर डेक्लेशन देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन के जी एक डेक्लरेशन लाइन के अंदर सिर्फ एक एरे ही डिक्लेयर हो यू कैन डिक्लेयर टू और थ्री टूगेदर सो यू कैन से इंट age 10, comma height 10, comma uh, names 20 or whatever the size of the array that you need. Also, you can mix declarations of variables with declaration of arrays. So, if you say that int i, comma j, comma age bracket open 10, square bracket closed, so what we are doing is we are declaring two simple integer variables and one array of size 10. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट दिंग टू रियलाइज़ कि जी एरे जो है वो बजाते ख़ुद एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं लेकिन एक्सेस करते वक्त हम पूरी की पूरी एरे को एक्सेस नहीं करते हम वन एलिमेंट एट अ टाइम एक्सेस करते हैं एक इसका स्पेशल केस है वो एंड पे आएगा वह है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का लेकिन फॉर द मोमेंट अगर हम इंटीजस वगैरह की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस के तौर पर तो हम कह सकते हैं कि जी एज एरे का नाम है लेकिन इस्तेमाल करते वक्त हमें उसका कोई ख़ास एलिमेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेशक वो सी इन के जरिए हम कीबोर्ड से पढ़ रहे हों या उनको जमा कर रहे हों या उनको आउटपुट कर रहे हों वी नॉर्मली ट्रीटेड एलिमेंट बाय एलिमेंट वेन एवर वी आर यूजिंग एन एरे एलिमेंट वॉट वी डू इज वी टेक द नेम ऑफ द एरे फॉर आर एग्ज़ाम्पल एज देन विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स वी राइट द इंडेक्स नंबर which we want to access so when we want to take for example the age of the fifth person we write age square bracket 4 square bracket why did I say 4 when I said the fifth person remember C arrays are based on a 0 index so age of 4 this is how I will say age square bracket 4 square bracket ko hum kahenge age of 4 age of 4 actually is the fifth element in the array but jabapni age square bracket 4 square bracket so you can treat it as a very simple ordinary integer variable or whatever the data type of the array so i can use it in arithmetic i can use it to display i can use it to get input from the user anything where you could use an ordinary variable you can use an array element so it is quite simple the only thing not to get confused about इज़ के जी जब डिक्लेयर हम करते हैं प्रोग्राम में यूजली फंक्शन के अंदर ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं एरे को वहाँ पे तो हमने उसकी टाइप भी दे दी तो हमने लिखा इंट एज टेन दैट मीन्स ये डिक्लेरेशन है नीचे जाके जब हम एज ऑफ फाइव लिख रहे हैं एज ब्रैकेट फाइव ब्रैकेट देन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एलिमेंट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एरे एक सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है हाउ डू वी वर्क विद दिज एरे एलिमेंट्स थिंक अबाउट इट अगर मुझे इंडेक्सिंग का तरीका आ गया है यानी एज ऑफ फाइव मीन्स दिक्कत एलिमेंट ऑफ द एरे इंडेक्स फाइव तो कैन आई स्टेप थ्रू द इंडेक्सेस क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर सकता हूँ कि जी पहले फर्स्ट स्टूडेंट की एज पढ़ी जाए फिर सेकेंड की पढ़ी जाए फिर थर्ड की पढ़ी जाए आई थिंक आपको आंसर ऑलरेडी आता है या अभी तक आपको ख्याल में आ गया होगा यू कैन यूज़ अ वेरी सिंपल लूप यू कैन यूज़ अ लूप समथिंग लाइक फॉर आई इक्वल टू जीरो i less than 10, increment i and in the body of the loop you can say c in greater than greater than age of i. What are we doing? We are running a little loop. Har through the loop i ki value badalti hai. Jo maine yahan pe example is kiya hai. i equal to 0 se shuru ho i less than 10. So again its 0 to 9. 10 numbers are going to be read from the keyboard and running the loop we say c in greater than age of i. अब एज ऑफ आई हम कह सकते हैं कि मुझे एज ऑफ फोर ही कहना था नो प्रॉब्लम द इंडेक्स वेन वी रेफरिंग टू एन एलिमेंट सिंपली नीड्स टू बी एन इंटेजर इट नीड नॉट बी एन इंटेज अर कॉन्स्टेंट लाइक फाइव इट कैन बी एन इंटेज वेरिएबल लाइक आई जो अभी इस्तेमाल मैंने किया है सो वी नॉर्मली यूज एरेज बाई यूजिंग द इंडेक्स एज अ वेरिएबल एंड वी स्टेप थ्रू इट बाई एज ऑफ आई और ये अब जब लूप चलेगी तो आई की पहले वैल्यू जीरो होगी तो एज ऑफ ज़ीरो पड़ी जाएगी फिर आई की वैल्यू, वैल्यू वन हो जाएगी एज ऑफ वन पड़ी जाएगी एंड सो ऑन इसी तरह अगर हम आगे चलें हम कहें कि जी इन एजेस को हमने ऐड करना है इनटू अ वेरिएबल दैट्स से अनदर इंट वेरिएबल कॉल्ड टोटल एज तो हम सिंपली एक लूप चला देंगे पहले टोटल एज को ऑफ कोर्स इनिशलाइज़ करेंगे वील से टोटल एज इक्वल जीरो देन वी गो एंड से फॉर i equal to 0 i less than 10 increment i so i plus plus and within the loop body we say total age plus equals age bracket i bracket semicolon so now you notice the 30 30 hamari shorthand we ja have i plus plus likh tia, increment operator total age plus equal to compound addition operator is tamal or all we are saying is total age is equal to total age plus age of i सो so, जो भी आई की वैल्यू होगी वो वाली एज जो है वो टोटल एज में जमा होती जाएगी अगर देखें तो एक बड़ी कौनसाइज और छोटी सी लाइन के अंदर हमने बहुत कुछ एकम्पलिश कर लिया है वी कैन रन दिस लूप फॉर एज मेनी टाइम्स वी वॉन्ट वॉट एवर द साइज ऑफ द एरे ऐट द नंबर्स टूगेदर सिंपल टू लाइन फॉर लूप नाउ वी गॉट पावर नाउ वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स एरेज को इनिशलाइज़ करने के कई तरीके हैं एक तरीका तो ये है कि जी हमने एज वो एक एरे को डिक्लेयर किया लेट्स से एज और साइज़ उसका टेन है और फिर हमने कहा कि जी अब इसकी वैल्यू क्या होगी तो लेट्स नॉट रिलाई ऑन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंपाइलर शायद आपको डिटेल में आपको लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन देखें तो पता चल रहा हो कि जी जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं वो इनिशलाइज्ड होती है तो सम वैल्यू और दी अदर आई से इट्स गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू मेक थिंग्स एक्सप्लिसिट So I can run a little loop saying ages ko zero So I can say for i equal to 0, i less than 10, increment i, age of i equals 0. I am not saying semicolons, I'm not saying braces, but that I hope you understand by now. So we can initialize an array by running a little loop and assigning values to the elements of the array. The other way of doing it. would be at declaration time, we can actually say something like int age 10 वही square ब्रैकेट्स में equals फिर कर्ली braces के अंदर हम 10 integer वैल्यूज दे सकते हैं सो वी कैन राइट 0, 0, 0 10 टाइम्स क्लोज द कर्ली ब्रेसिज सेमी तो एरे क्रिएट भी हो गई और initialize भी हो गई लेकिन आसान तरीका भी है अगर जीरो पे करना है एक सिंगल जीरो लिख के कर्ली ब्रेस को बंद कर दें तो सारी एरे जीरो पे इनिशलाइज हो जाएगी बट अगेन आई प्रेफ़र कि जी जो भी इनिशलाइजेशन करनी है वो एक्सप्लेसिटली लूप के थ्रू कर ली जाए और यूजुअली एरेज इतनी छोटी होती नहीं है कि जी दस नंबर लिखें तो काम बन जाए सौ की भी हो सकती है हज़ार नंबरों की एरे भी हो सकती है सो इट्स ईजियर टू राइट अ लिटल लूप टू इनिशलाइज दो एरेज नन दैस एरे इनिशलाइजेशन एट डेक्लेशन टाइम इज़ एन ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल टू आस एंड इफ़ यू लुक थ्रू द बुक यू विल फाइंड न्यूमरस एग्जाम्पल्स अबाउट हाउ टू इनिशलाइज ए रेज बट इट्स अ सिंपल टास्क यू कैन जस्ट डू इट इन अ लुप लेकिन एक इशू रह जाता है कि जी हम एरे को इनिशलाइज करते वक्त अगर हम ये कर्ली ब्रेसिज वाली टेक्निक इस्तेमाल करें और हम कहें इंड एज और सिर्फ स्क्वेयर ब्रैकेट्स डाल दें ठीक है सो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं लिखना इक्वल्स और फिर ब्रेसिस के साथ हम उसको दस नंबर दे देते हैं वॉट इज़ दैट द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली सो इट्स बींगटल इंटेलिजेंट इट विल आटोमेटिकली डिटेक्ट कि जी दस नंबरों से इस एरे को इनिशलाइज करना है लिहाजा एरे का साइज दस होगा कीप रिमेंबरिंग एंड ऑल कीप रिपीटिंग कि दस की एरे जो है वो सी में जीरो इंडेक्स से शुरू होती है एंड नाइन इंडेक्स पोजिशन पर ख़त्म होती है सौ की अरे जीरो टू नाइनटी नाइन 253 की एरे 0 टू 252 इंडेक्स पोजीशन तक जाएगी सो वेन एवर वी राइटिंग अ लूप टू प्रोसेस इन एरे वी मस्ट रिमेंबर दैट द लास्ट पोजीशन इज वन लेस देन द साइज ऑफ द एरे इसी को अगर आप फॉर लूप के सिंटेक्स के साथ कंबाइन करें तो यू विल रियलाइज के इट्स समथिंग दैट फॉल्स वेरी नेचुरली टू द सिंटेक्स फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो फर्स्ट एलिमेंट सेमिकोलन आई लेस दैन साइज ऑफ द एरे सो लेस दैन और इक्वल टू नहीं दिखेंगे लेस दैन इस्तेमाल करेंगे सो दैन इट इज़ ओके ज़ीरो से ले कर लेस दैन टेन लेस दैन टेन मीनस नाइन यू विल अगेन गेट टेन एलिमेंट्स ओके सो मैनी वेज ऑफ वर्किंग विद इट लेट एस सी वॉट एल्स वी वी कैन लर्न अबाउट एरेज अभी मैं बात जो कर रहा हूँ वो है वन डायमेंशनल एरेज की लेट्स लुक एट अटल प्रोग्राम दैट रीड नंबर्स फ्राम द की बोर्ड और उनको एक एरे में स्टोर कर लेता है ये प्रोग्राम जो है हम कहते हैं कि जी इट इज़ मेन टू रीड ओनली पॉजिटिव इंटिजर्स सो हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि जी आप जितने मर्जी नंबर इंटर कर लें अपट्स ए वन हंड्रेड नंबर्स लेकिन अगर आपने उससे कम एंटर करने हैं तो आप एक माइनस वन एंटर कर दीजिएगा बिकॉज वी सेट वीरली रीड पॉजिटिव इंटिजर्स मे बी इंक्लूडिंग ज़ीरो So, we will do that with a function call. So, the function will read an array and then it will return the array to the calling program. So, we write our usual IO stream main declare the array as int let us say c bracket 100 bracket semicolon. So, we are declaring an array of 100 integers. It will be called a and it will index from 0 up till 99.

हम एक नंबर पढ़ेंगे कीबोर्ड से अगर वो माइनस वन नहीं है तो हम उसको एलिमेंट में एक खास जो एक ख़ास एरे एलिमेंट है उस जगह पे उसको स्टोर कर देंगे और फिर हम वापस जाके नया नंबर पढ़ेंगे और ये हम करते रहेंगे जब तक या तो नंबर वन हंड्रेड नहीं हम पढ़ लेते और या यूज़र जो है वो माइनस वन नहीं एंटर कर देता अब देखें यहाँ पर एक यूज़ आ रहा है लूप का और आपको याद होगा कि सी के अंदर हमने तीन किस्म की लूप्स की बात बात की थी एक वाइल्ड लूप थी एक फॉर लूप थी और एक डू वाइल्ड लूप थी क्या फ़र्क था कुछ याद है इन लूप वेरिएंट्स के अंदर देखें वाइल्ड लूप हमने कहा था इट एक्सीक्यूट्स ज़ीरो और मोर टाइम्स फॉर लूप एक्सीक्यूट्स ज़ीरो और मोर टाइम्स बट द डू वाइल्ड लूप एक्सीक्यूट्स वन और मोर टाइम्स यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हम कह रहे हैं कि जी एक नंबर पढ़ेंगे ये तो हम लाजमी पढ़ेंगे सो वन नंबर विल बी इनपुट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स माइनस वन और अ पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो सो वाई नॉट यूज़ अ डू वाई लू सो वी से डू और एक कोई इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं लेट्स जैसे कॉल इट जेड सो वी से डू सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन जेड और फिर जेड को टेस्ट कर लेते हैं इफ़ जेड इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन ठीक है सो इफ स्टेटमेंट आ गई तो अगर वो माइनस वन नहीं है तो उसको एरे में प्लेस कर दें कहाँ पे सो वी शुड स्टार्ट विद द जीरो पोजिशन सो लेट्स से कि जी हम एक वेरिएबल में एरे की करंट पोजिशन स्टेट कर देते हैं एंड एज़ यूजल वेरिएबल कैन बी आई मेक इट सिंपल सो बिफोर द लूप स्टार्ट हमने वहाँ पे कर दिया है आई इक्वल टू जीरो रिमेंबरिंग दैट ज़ीरो इज द फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लूप में जब हमने सी इन से जेड पढ़ लिया हमने कहा इफ़ z इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड इफ़ यू रिमेंबर द नॉट इक्वल्स ऑपरेटर इज एक्सक्लेमेशन मार्क इक्ल टू उसके बाद क्या करना है जो हमारी एरे थी उसमें पोजिशन i के ऊपर सो एरे नेम पोजिशन i इक्ल z ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है राइट right साइड पे वेरिएबल वेरिएबल आ रहा है जिसमें अभी हमने कीबोर्ड से वैल्यू पढ़ी और लेफ्ट साइड पे एरे का एलिमेंट आ रहा है रिमेंबर नाउ दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग बार बार मैं एक चीज़ रिपीट करता रहा हूँ कि जी लेफ्ट साइड पे सिंपल वेरिएबल हो सकता है कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकती कोई फंक्शन नहीं हो सकता ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सो वॉट हैव वी पुट हेयर वॉट वी हैव पुट इज़ एन एरे एलिमेंट एन एरे एलिमेंट बिहेव एज एन ऑर्डिनरी वेरिएबल सो इट कैन अपेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट इज़ वॉट वी आर डूंग ओवर हेयर उसके बाद स्टेटमेंट के साथ इतना ही काफ़ी है अब हम क्या करते हैं कि जी नेक्स्ट पोजिशन के लिए तैयार हो जाए आई प्लस प्लस सो लेट से पहली दफ़ा आई की वैल्यू जीरो थी उसमें जीरो पोजिशन पर हमने वैल्यू लिख दी और फिर हमने कहा आई इज इक्वल टू तो आई प्लस वन विच मीन्स आई की अब वैल्यू वन हो गई है लूप का काम ख़त्म हो गया अब आएगा वाइल्ड स्टेटमेंट तो वाइल्ड स्टेटमेंट में क्या लिखें वाइल स्टेटमेंट के अंदर दो टेस्ट हमारे साथ साथ चल रहे हैं एक टेस्ट ये है कि जी लास्ट नंबर जो यूज़र ने एंटर किया था वो माइनस वन तो नहीं था और दूसरा टेस्ट है कि जो जितने नंबर अभी तक पड़े हैं वो तो नहीं सौ सौ हो गए सो द वाइल इज़ अ कंपाउंड टेस्ट वे बी से वाइल से जेड इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन एंड एंड कैसे लिखते हैं डबल एंड परसेंट साइन

माइनस वन एंटर कर दिया तो पहले तो इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी सो so असाइनमेंट नहीं होगी उसके बाद आई इंक्रीमेंट तो होगा लेकिन वाइल स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे अगर उसने कोई वैलिड पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग ज़ीरो एंटर कर दिया तो वो एरे की आयथ पोजिशन पर असाइन हो जाएगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और लूप में हम वापस जाके नेक्स्ट इनपुट नंबर जो है फ्रॉम द कीबोर्ड वो लेके वापस जेड के अंदर डाल देंगे सो दिस लूप्स रन्स दिस लूप रन्स एंड द एरे इज पॉपुलेटेड एट द एंड ऑफ द लूप मे बी वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि जी कितने नंबर्स इनपुट हुए अपर लिमिट तो हमें पता है सौ है लेकिन एक्चुअली कितने हुए सो वी कैन से सी आउट The total number of integers entered by the user is, I in parentheses may or double less than sign, handout maybe up the exact or kya likhenge Logically. What is the total number of integers entered by the user? Is it i? Or is it i minus one?

हाउ मनी पॉजिटिव इंटेजर्स सो मे बी यू वॉन्ट सी आउट के अंदर लिखते हैं द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स एंटर्ड बाई द यूजर इज एंड देन आफ्टर द डबल लेस दैन साइन वी विल से आई माइनस वन एंड देट विल गिव अस अकाउंट इसका एग्जाम्पल तो बड़ा ट्रिब्यूअल सा था लेकिन इसके यूजर्स बहुत हैं एंड यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ के जी अगर मैं आपको अब एग्जाम यही दे दूँ प्रॉब्लम कि जी अपनी क्लास का अपनी क्लास के लिए आप एवरेज एज निकालें So maybe you know the exact number of students in the class, maybe you don't. If you don't, you take a number which is larger than the number of students in the class and you declare an array. So if you think hey, class may a C students student to a pick array age declare age of size 100. Or is trick questamal karke you can actually read exactly the positive ages that belong to the students. और जब स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाएं आप माइनस वन करके एंड कर दें लूप को उसके बाद जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है वो उन नंबर्स की करनी है जो आपने पढ़े हैं सो so, उस वक्त आई की वैल्यू आपको मालूम है कि जी कितने नंबर्स एंटर हुए थे उसके साथ आई को इस्तेमाल करें और वह आगे काम कर लें सो इट्स क्वाइट अ यूजफुल ट्रिक सो वी विल बी यूजिंग दिस अगेन एंड अगेन लेट्स मूव ऑन सपोज वी हैव टू एरेज ओके हाउ डू आई कॉपी एलिमेंट्स फ्राम वन एरे टू अनादर एरे पहली चीज़ अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो वी मस्ट भी वेरी क्लियर के अरेज की डेटा टाइप्स आइडेंटिकल होनी चाहिए यू कान्टॉपी लेट्स एट डबल्स इंटू इंटेजर्स एंड इंटेजर्स इंटू फ्लोट हाँ कन्वर्जन हो जाती है बट आईडियली वीड वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिकल टाइप्स इन द टू अरेज सो वॉट वी डू वेल पहली चीज़ के जी फॉर एरेज टू बी कॉपीएबल दे मस्ट बी द सेम साइज़ सो लेट्स से कि हमारे पास एक एरे है ए इंटीजर्स की उसका साइज़ है टेन और एक एरे है बी वो भी इंटीजर्स की उसका साइज़ है टेन ए के अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं कि जी बी के अंदर वो वैल्यूज़ चली जाएँ तो रिमेंबर वॉट आई सेट दैट इफ़ आई राइट सिंपल एलिमेंट ऑफ एनी एरे आई राइट बी ब्रैकेट फाइव ब्रैकेट Bracket means square bracket. We are talking about a simple variable. So I can use ten assignment statements. I can say b of zero equals a of zero, b of one equals a of one, b of two equals a of two, and so on up till ten. And you know me, ho size equal karke type karte I I think you know the answer. Use a loop. So, we say something like for i equal to 0, i less than 10, increment i. So, i plus plus, next line b of i equals a of i, semicolon. End of story. A simple little loop, a corresponding element, say array can assign. Ho ra hai. Very common, we are always using loops with arrays, and this is actually where the flexibility and the power of the array comes in. Whenever we are dealing with data, यू विल नोटिस दैट इफ़ यू लुक अराउंड यू एन ट्राई टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम जो है वो एक आइटम का प्रॉब्लम ना हो इट ऑलवेज डील विद समज और नंबर्स यू विल फाइंड के जी एरेज आर वेरी वेरी यूजफुल वी विल बी यूजिंग दैम अगेन एंड अगेन एंड दे लीड अस टू टैकल अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ यूजफुल प्रॉब्लम्स यही लूप स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता जो भी कॉम्प्यूटेशन करनी हो एरे एलिमेंट्स के साथ वो हम लूप्स के थ्रू करते हैं सो so, अगर मैंने ये करना है कि जी टेक द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टेन डिफरेंट नंबर्स और वो नंबर्स मैंने एक एरे के अंदर स्टोर किए हुए हैं देन आई वुड सिंपली डिक्लेयर स्क्वेयर्स इक्वल टू इंटीजर वेरिएबल अगर इंटीजर एरे है और फिर वही लूप चलाऊँगा फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस दैन एरे साइज़ इंक्रीमेंट आई स्क्वेयर्स इक्वल्स सम ऑफ स्क्वेयर्स प्लस array of i times array of i. So, an arithmetic expression involving array elements, array elements are being used as simple variables. So, they can be used anywhere where the, a variable could be used and therefore, you can do simple arithmetic or any type of complex computation that you want with them. So, lots of stuff that you can do, but remember arrays and loops are very intricately linked. We will always be using them. Let's go on and see what else we can work around with arrays. Suppose we take a simple problem. That is, we hamar pasek list of numbers di we can e khas number dhunna chati, kiji is list this list hai It's a simple searching problem. How do we do that? Well, for the moment, let us devise our little program by saying we declare an array. अगेन लेट्स वर्क विद इंटीजर्स सो वी से इंट लेट्स ए ब्रैकेट वन हंड्रेड सेमिकोलन विच मीन्स के जी सौ नंबरों की सौ इंटीजर्स की हमने एरे डिक्लेयर कर दी इसको आप पॉपुलेट करना चाहते हैं आप चाहें तो अपने तौर पर कोई पॉपुलेट कर लें और फिर गैसिंग गेम के लिए किसी और को कहें कि इसके अंदर से नंबर गैस करें लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स जस्ट पॉपुलेटेड विद आई जी um, जीरो से लेके हंड्रेड तक इसमें वैल्यूज़ हम असाइन कर देते हैं वो असाइन करने का भी तरीका वही है फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस दैन हंड्रेड इंक्रीमेंट आई ए ऑफ आई इक्वल्स आई सो आई एथ एलिमेंट की वैल्यू हम कह रहे हैं आई ही होगी सो ए ऑफ जीरो में ज़ीरो चला जाएगा ऑफ वन में वन चला जाएगा एंड सो ऑन नंबर्स जो हैं वो एरे के अंदर इनिशलाइज हो गए सपोज वी से कि जी यूज़र को नहीं पता कि हमने प्रोग्राम में क्या किया है हम यूज़र को कहते हैं कि जी वो एक नंबर इनपुट करे सो वी लेट्स गिव अ प्रॉम्प्ट से सी आउट प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन और अदर लेट्स से वी प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर ठीक उसने एंटर किया सी इन के थ्रू हमने गेट कर लिया हमने एक वेरिएबल जेड के अंदर स्टोर कर लिया अब प्रॉब्लम ये है जी z जो है वो इन एरे वैल्यूज के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं हमें नहीं पता कि z की वैल्यू क्या है हाउ डू यू थिंक वी विल डू दैट आई थिंक द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है वी जस्ट स्टार्ट द टॉप और हर नंबर जो हमारे पास z में नंबर आया हुआ है उसको एरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं हम कहते हैं जी ऑफ जीरो के बराबर है नहीं ऑफ वन के बराबर है नहीं एंड सो ऑन टिल वी फाइंड द नंबर और वी रन आउट ऑफ द एरे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं सो यू कोड डू समथिंग लाइक के जी एक आप इंटेजर ही रख लें वेरिएबल फॉर द मोमेंट से समथिंग लाइक इंट फाउंड उसको इनिशलाइज कर देते हैं जीरो के साथ एंड इंटरनली हम अपने लिए उसके लिए मतलब रख लेते हैं कि जी फाउंड एकवल टू ज़ीरो मीन्स वी हैवन फाउंड द इंटेजर एंड फाउंड जब इक्वल टू वन हो जाएगा तो वी हैव फाउंड द नंबर उसके बाद हम लूप चला लेते हैं हम कहते हैं कि जी फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन हंड्रेड इंक्रीमेंट आई ओपन ब्रेसेस इफ़ और फिर पैरेंथिस के साथ जेड डबल इक्वल्स ए ऑफ आई अगेन द सेम थिंग वी आर यूजिंग एन एरे एलिमेंट लाइक अ सिंपल वेरिएबल सो इफ जेड इज इक्वल टू ऑफ आई उसके बाद ब्रेसेस फिर खोल लें क्योंकि इफ़ का हम ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं हम कहते हैं फाउंड इक्वल्स वन सबसे पहले तो झंडा खड़ा करें ना कि जी मिल गया उसके बाद अगर चाहें तो इतना ही करके ब्रेसेस बंद कर दें और फॉर लूप क्लोज कर दें वो लूप पूरी चल जाएगी क्या हम पूरी चलाना चाहते हैं वेल इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम फॉर द मोमेंट वी डोंट रियली केयर अगर फाउंड वन हो गया है वी माइट वेल जंप राइट आउट सो इसमें वाइल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डू वाइल भी कर सकते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं याद होगा स्विच के साथ हमने ब्रेक कहा था और फिर ब्रेक को डिफाइन किया था कि अगर ब्रेक आ जाए तो द लूप इज़ एग्जिटेड इमीजिएटली सो आई कुड राइट द सेम फॉर लूप एंड से इफ़ z इक्वल्स एक ऑफ i ओपन ब्रेसेस फाउंड इक्वल्स वन ब्रेक क्लोज ब्रेसेस एंड ऑफ फॉर लूप फॉर लूप से जब बाहर आएंगे तो क्या हमारे प्रोग्राम को पता है कि वो इंटीजर मिला है z जो था या नहीं मिला एरे के अंदर एट द मोमेंट ऑल वी नो इज़ कि जी लूप एग्ज़िट हो गई है ठीक है ये नहीं हमें पता कि हम लूप चला चला के एग्ज़िट की है और हमें नंबर नहीं मिला या नंबर मिल गया है और फिर ब्रेक की वजह से हमने लूप से एग्ज़िट किया है सो इफ़ वी वॉन्ट टू टेस्ट वी हैव द इफ स्टेटमेंट वी से इफ़ फाउंड इक्वल्स वन और मैं इक्वल्स कह रहा हूँ विच मीन डबल इक्वल टू साइन इट्स अ लॉजिकल कंपेरिजन

फाइंड आउट कि जी अ गिवन नंबर उसमें मौजूद है कि नहीं है तो हमने किया क्या हम एरे के ऊपर से शुरू हो गए एक एक करके नंबर्स को कंपेयर करते गए विद आर टेस्ट नंबर विच वी स्टोर्ड इन द वेरिएबल कॉल जेड एंड वी वेंट थ्रू द लूप एंड डिसाइडेड एट द एंड कि जी वेदर वी फाउंड द नंबर और वी डेंट फाइंड इट सिंपल लिनियर सर्च अगर एरे के अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो एन दफा टेस्ट हो सकता है दैट्स द अपर लिमिट जल्दी भी आपकी लूप टर्मिनेट हो सकती है और हम क्या कर सकते हैं कोई मज़े की चीज़ नहीं कर सकते लूप्स के साथ लेट अस सी कि जी हम इसी चीज़ को हम एक गेम क्यों ना बना लें आपको एज अ प्रोग्रामर भी ना पता हो कि जी कंप्यूटर ने कौन से नंबर स्टोर किए हैं और यूज़र के तौर पे आप गेसिंग गेम बनाएं हाउ डू वी डू दैट वेल इसी में जो आपके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है और तकरीबन तमाम सी के जो कंपाइलर्स हैं उनके अंदर एक रैंडम नंबर जनरेशन जनरेशन के लिए एक फंक्शन मौजूद है वो फंक्शन है रैंड का आर ए एन डी देखें ये सी का हिस्सा नहीं है लेकिन सी की तमाम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ में ये साथ शिप होता है ये आपको इनफैक्ट स्टैंडर्ड लिब में ही मिलेगा सो जहाँ हम ऊपर शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच कर रहे थे आपको एक और इंक्लूड करना पड़ेगा शार्प इंक्लूड उसी तरह एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एस टी डी लेब एल आई बी डॉट एच इसको इंक्लूड करेंगे तो रैंड फंक्शन जो है इसकी प्रोटोटाइप आपको मिल जाएगी रैंड जो है वो टिपिकली रिटर्न करता है एक रैंडम नंबर यानी एक सेट ऑफ नंबर्स लेके उनमें से कोई भी चूज करके आपको एक वापस दे देता है नॉर्मली सी कंपाइलर्स में और आपके डेव सी प्लस प्लस में इसकी अपर लिमिट जो है वो थ्री टू सेवन सिक्स सेवन है सो इट विल रिटर्न अ नंबर बिटवीन जीरो एंड थ्री टू सेवन सिक्स सेवन आइडिया है ये थ्री टू सेवन सिक्स सेवन मैजिक नंबर कहाँ से आया है ज़रा आप देखिएगा टू टू पावर एक्स कैलकुलेट करके कि कौन सी नंबर बनता है इट्स अ पावर ऑफ टू माइनस वन द एक्चुअल पावर ऑफ टू इज थ्री टू सेवन सिक्स एट आई गिव यू अंट इट हैज डू विद द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रजेंट इन इंटेजर ट्राई इट आउट एनी रैंड को कॉल करने का तरीका सिंपली ये है कि जी सिंस इट्स अ फंक्शन इट हैज बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सो इफ आई से एक्स इक्वल्स रेंड और रेंड फंक्शन है तो एंड पे हम परेंथिसिस लिखते हैं खाली उनके अंदर कुछ नहीं लिखते सेमी कॉलन सो वी से एक्स इक्वल्स आर ए ओपन परेंथीसिस क्लोज परेंथेसिसिस सेमी कॉलन वॉट इज एक फंक्शन कॉल जाती है टू द रैंड फंक्शन वो एक नंबर जनरेट करता है और वापस करता है और वो एक्स में असाइन हो जाता है टॉकिंग अबाउट फंक्शन कॉल्स थिंक अबाउट हाउ इट वर्क्स प्रोग्राम सिक्वेंशली ऊपर से चलता आया एक जगह पे पहुंचा तो एक फंक्शन कॉल हो गया फंक्शन कॉल के लिए प्रोग्राम वहाँ पे रुक गया और कंट्रोल जो है वो फंक्शन में चला गया फंक्शन एक्सिक्यूट होगा जब वो कम्प्लीट होगा या उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट उसको मिलेगी उस पर कंट्रोल वापस आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन से आगे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी सो जस्ट एन एसाइड टू जस्ट रिमाइंड यू कि जी फंक्शन कॉल का मैकेनिज़म क्या होता है रैंड विच इज़ द रैंडम नंबर जनरेटर अब ये वैल्यूज़ दे रहा है जीरो टू थ्री टू सेवन सिक्स सेवन वॉट इफ़ वी वॉन्ट द वैल्यू टू बी कॉन्स्ट्रेंड इन अ स्मॉलर लिमिट सपोज हम डाई को रोल करते हैं तो डाई जो है उसके ऊपर आपको पता है कि जी एक से लेके कर छः तक नंबर लगे होते हैं हम देखना चाहते हैं कि जी रैंडम रोल किया कौन सा नंबर मिला कैन वी यूज़ रैंड टू जनरेट द रोल ऑफ अ डाई विल बी कोड इफ़ द नंबर रिटर्न बाय रैंड वाज़ बिटवीन वन एंड सिक्स इंक्लूसिव ऑब्वियसली डाई के ऊपर कोई थ्री टू सेवन सिक्स सेवन तो नहीं लिखा हुआ सो so, उसके लिए हम क्या करें ताकि लार्जेस्ट नंबर जो है वो सिक्स से ना बढ़े सोचें दर टू वेज रिम्बर हमारे पास एक सी में बिल्ट इन ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है मॉड का मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है रिमेंडर वापस करता है कैन वी यूज़ द मॉड ऑपरेटर टू रिटर्न अ नंबर फ्रॉम द फंक्शन रैंड विच लाइज बिटवीन वन एंड सिक्स इंक्लूसिव वेल द आंसर इज सिंपल इनफ इफ़ यू से रैंड

और क्योंकि हम डिवाइड सिक्स से कर रहे हैं सो द लार्जेस्ट नंबर दैट कुड बी अ रिमाइंडर इज फाइव सिक्स के नॉट बी अ रिमाइंडर सो सिंपली सेइंग रैंड परेंथेसिस मॉजुलर सिक्स गिव्स अस अ नंबर बिटवीन जीरो एंड फाइव हम क्या चाह रहे हैं डाई का कर रोल करने के लिए कि जी वन से लेके कर सिक्स तक हमें नंबर चाहिए तो क्या करें एड वन सो इफ यू से वन प्लस रैंड पैरेंथिस परसेंटेज सिक्स यू विल रैंडमली जेनरेट अ नंबर बिटवीन वन एंड सिक्स बोथ नंबर्स इंक्लूडेड एंड यू कैन जनरेट अ रेंडम रोल ऑफ अ डाई अब टेस्ट करना है कि जी हमने एक डाई तो बना ली वो फेयर है कि नहीं आप जानते हैं फेयर डाई क्या होती है फेयर डाई ये है कि जी उसको आप फेंकना शुरू करें रोल करना शुरू करें तो अगर आप टेन मिलियन टाइम्स रोल कर दें या हंड्रेड मिलियन टाइम्स रोल करें तो ऑन एवरेज इक्वल नंबर ऑफ वन इक्वल नंबर ऑफ टू इक्वल नंबर ऑफ थ्रीज एक नंबर ऑफ़ फोर इस तरह जनरेट होंगे यानी उसका हर फेस जो है वो इक्वली लाइकली है कि वो रोल के ऊपर ऊपर आ जाए सो कैन वी टेस्ट आर रेंडम नंबर जनरेटर कि जी ये एकअल नंबर्स जनरेट करता है कि नहीं करता कि जी एक की भी उतना ही चांस है जितना दो का है जितना तीन का है एंड सो फोर्थ थिंक अबाउट इट मे बी यू गेट एन आइडिया फॉर जनरेटिंग अ टेस्ट for our random number generator in terms of does it produce a fair die, okay. Think about it, maybe go to the discussion board and isko kya kiya how do we test it, you can, uh, come up with some ideas, okay. Write me mail if you want, I mean we can discuss it but discussion board is a better place because everybody gets to participate in it. So rand is a useful function, you is use hain for tosses of a coin. कॉइन हेड और टेल आता है सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं सो यू कैन यूज़ ज़ीरो एंड वन सो रैंड मॉड्यूलो टू विल गिव यू जीरो एंड वन एज द आंसर एंड सो ऑन सो फोर्थ सो इट्स अ वेरी यूजफुल फंक्शन और हम बहुत दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करके रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट कर सकते हैं एंड सिमुलेशन इज़ अ होल साइंस इन इट सेल्फ़ बट इट्स अ वेरी यूजफुल साइंस ओके दैट अलाउज़ अस टू डू कंप्यूटर प्रोग्राम्स और राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स that can test a real-life situation without have ever having that situation occur. It's something like, If a car a what We can write a computer simulation to do that. I'm not saying that random numbers will be but maybe you want to speed randomly, choose karke, accident and see how much ji will be So you can use computers for simulation, and rand is an important function. इतना इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हर कंपाइलर के साथ शिप होता है इन फैक्ट मोस्ट मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिव यू सम काइंड ऑफ अ रैंडम नंबर जनरेटर एज अ फंक्शन एज पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी एंड इन फैक्ट रेंडम नंबर जनरेटर्स लिखना वो बजाते ख़ुद एक फील्ड है पूरी क्योंकि कंप्यूटर रेंडम नंबर्स जनरेट कर रहा है तो क्या वो रियली रेंडम हैं कि नहीं तो इसके ऊपर तो हम कई घंटों बात कर सकते हैं फॉर द मोमेंट गो एंड प्ले विद दिस फंक्शन लेट्स गो बैक एंड लुक एट एरे डेक्लोरेशन्स मैंने यह आपको बताया था कि जी एरे डिक्लेयर करने के लिए हम उसकी टाइप बताते हैं उसको कोई नाम देते हैं और उसको एक साइज़ देते हैं और साइज़ लेट से हमने 100 दे दिया तो हमने एरे डिक्लेरेशन में 100 लिख दिया फिर जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं यूजली लूप्स होती हैं वहाँ पे भी एरे की अपर लिमिट चल रही होती है सो तो हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन हंड्रेड कुछ करो क्या इज़ दिस द ओनली वे एंड इज़ दिस अ गुड वे ऑफ डूइंग थिंग्स विल दस अ प्रॉब्लम रिम्बर कि जी मैं तो हमेशा आपको आके कहता हूँ जी सौ वाला हो गया प्रॉब्लम हाँ जी हो गया चलो आप हज़ार वाला करो ना यू नो कि आपने वर्ड भी इस्तेमाल किया है कि जी आपके पास एक सर्च इन रिप्लेस फंक्शन होता है सो यू माइट वॉन्ट टू गो इन टू द एडिटर एंड से फाइंड वन हंड्रेड एंड रिप्लेस विद वन थाउजेंड सपोज़ आपका प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स है तो आप देखते हैं कि जी ये वाला हंड्रेड आया रिप्लेस फिर दूसरा आया रिप्लेस फिर तीसरा आया रिप्लेस इवेंचुअली आप थक के कहते हैं रिप्लेस ऑल सारे जगह जहाँ पे भी आपने हंड्रेड लिखा हुआ था वो वन थाउजेंड से रिप्लेस हो जाता है आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं चलाते हैं और कहते हैं ओहो ये क्या हो गया क्यों कहीं पर आपने हंड्रेड और भी इस्तेमाल किया था या वन थाउजेंड भी कहीं लिखा हुआ था उसमें भी एडिटर ने वन जीरो ज़ीरो को मैच कर दिया हंड्रेड के साथ और उसको रिप्लेस कर दिया इट्स अ वेरी बैड इफ़ेक्ट इसके अलावा इट्स वेरी टीडियस टू फाइंड ईच एंड एवरी अक्रेंस लुक एट इट योर सेल्फ एंड डिसाइड कि इसको रिप्लेस करना है कि नहीं करना कैन वी डू समथिंग बेटर द आंसर इज़ येस एंड एज़ यू यू दिस रिजल्ट इन अ ब्रैंड न्यू की वर्ड फ्रॉम सी

और साथ ही मुझे लिखना है इक्वल टू 100 हंड्रेड सेमीकोलन वॉट डज दिस स्टेटमेंट डू इट क्रिएट्स एन आइडेंटिटी और एन आइडेंटिफायर कॉल्ड एरे साइज और उसको एक वैल्यू उसी वक्त असाइन कर देता है इन दिस एग्जाम्पल 100 हंड्रेड एंड दैट एरे साइज इज़ नाउ कॉल्ड एन इंटीजर कॉन्स्टेंट सो इट्स अ नेम्ड इंटीजर कॉन्स्टेंट इट इज़ नॉट अ वेरिएबल बाद में आप एरे साइज़ इक्वल टू टेन नहीं लिख सकते प्रोग्राम के अंदर इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड फॉर एवर इन दैट प्रोग्राम इट विल रिमेन अ कॉन्स्टेंट लेकिन नाउ इफ यू अप्लाई द रूल कि जी एक एरे को डिक्लेयर करने के लिए उसका साइज़ जो है मस्ट बी अ कांस्टेंट तो वहाँ वन हंड्रेड लिखने की बजाय अब हम एरे साइज़ लिख सकते हैं सो वी कैन राइट ए आर आर ए वाई दिस मेक्स लाइफ वेरी ईजी फॉर अस वाई वी कैन नाउ डिक्लेयर अरेज विद मीनिंगफुल नेम्ज एज देर साइज जब भी हम कोई लूप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग द अरे वी डोंट यूज़ कॉन्स्टेंट नंबर्स विच आर कैटर्ड ऑल ओवर द प्रोग्राम एंड बिकम कन्फ्यूजिंग वी यूज समथिंग लाइक फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस दैन अरे साइज़ इंक्रीमेंट आई और आगे कर देते हैं एंड फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट एड रिम्बर कि अब मैं जब आपको कहूँगा कि जी ये अरे जो है ये सौ की नहीं हज़ार नंबरों की होनी चाहिए ऑल यू डूर्स Open your program, go right to the top, and where it says const int array size equals 100, semicolon, was 100, ko aap 1000, karde baki ka tamam program usithara chal Using this const keyword is very valuable, and I suggest that you get into the habit of using it whenever you want to declare arrays. Abhi jo aap problems karre hongge, they are going to be very simple, so there is no real need but down the road when your programs get bigger and more complex it makes a lot of sense to use a named identifier remember i am not using the word variable these are constants but these are like named constants so So, today the topic was arrays topic is not finished yet we have many things to cover द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द मोमेंट इज़ अरेज ऑफ़ कैरेक्टर्स जब हम लफ्ज़ बनाते हैं तो लफ्स जो है वो एक अरे ऑफ़ कैरेक्टर्स है उनको हम अगली दफ़ा कवर करेंगे फिर मल्टी डायमेंशनल अरेज़ हैं और फिर एक फंक्शन कॉल के अंदर अरे कैसे पहुँचाई जाती है मैंने उसका शुरू किया था बट वो हम अगली दफ़ा कवर करेंगे उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए खुदा हाफ़